स्वागत है आपका आज के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो भाई लोग, आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और हर एक वीडियो में आप लोग यही सोच के जाते हो कि आज तो मैं जो है वन शॉट ट्रिक सीख जाऊंगा और बड़ी आसानी से वन शॉट मार लूंगा। वीडियोस देखने के बाद फिर आप लोग ट्राई भी करते हो बट फिर भी जो है वन शॉट नहीं मार पाते हो, एक तरह से परेशान हो चुके हैं भाई मुझसे अब नहीं होगा, और आप सोचते हो कि भाई ना मैं तो मैंने कंटिन्यूसली जो खेलता हूं वैसा खेल लूंगा। ठीक है, तो गाइस आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ए से लेकर जेड तक सिर्फ तीन ही ट्रिक बताऊंगा। अगर आप इन तीनों ट्रिक को फॉलो करते हो गाइस 101% आपका वन शॉट लगेगा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं अगर आपका वन शॉट ना लगे तो गाइस। ठीक है, बट उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा कि वीडियो को एंड तक देखना होगा बिना स्किप किए। थोड़ा सा भी स्किप किया हो तो आप लोग कोई ना कोई हो सकता है कि ट्रिक छोड़ दो। और हाँ, इसके दो फायदे होंगे गाइस। ठीक है, सबसे पहला फायदा कि आप बड़ी आसानी से वन शॉट ट्रिक सीख जाओगे, देन सेकंड जो है आप लोग जो है गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, पूरा वीडियो देखोगे तो 200 डायमंड वहां से जीत जाओगे गाइस। ठीक है, तो ये होते हैं आपके दो फायदे। अब पहला फायदा तो मैं ट्रिक बता ही रहा हूं, देन सेकंड फायदे के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा, यानी कि गिव अवे के ऊपर बात कर लेते हैं गाइस। पहले मैं 2500 डायमंड्स का गिव अवे करता था जो कि मेरे को नुकसान काफी ज्यादा हो रहा था, मैंने बंद कर दिया था। देन अब वापस से मैंने थोड़ा कम किया है, मैं यानी कि अब 5 बंदों को सिलेक्ट करूंगा और ओनली 1000 डायमंड्स का ही गिव अवे करूंगा, तो एक बंदे को मिलेंगे 200 डायमंड। अब पार्टिसिपेट करना कैसे है गाइस, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने 3 फ्रेंड के साथ शेयर करना है गाइस। ठीक है, अगर इनमें से आप तीनों में से कोई भी स्टेप छोड़ते हो तो आप वहां पे आपका नाम नहीं आएगा, देन आप लोगों को आपकी कमेंट यूआईडी जो है उसको कमेंट कर देना गाइस। ठीक है, तो चलो अब आते हैं अपने वीडियो के ऊपर गाइस, कैसे आप बड़ी आसानी से वन शॉट मार सकते हो गाइस। ठीक है, तो सिंपल सा गाइस, सबसे पहली ट्रिक जो होती है वो होती है आपका एम गाइस। ठीक है, तो एम कैसे, तो सबसे पहली चीज है कि आप लोग क्या करते हो कि वन शॉट मारने के लिए भी वही GCPT ट्रिक का इस्तेमाल करते हो भाई, रेड डॉट। मेरे को समझ भी नहीं आता भाई आप वन शॉट मार रहे हो फिर बॉडी शॉट मार रहे हो। अगर आपको वन शॉट मारना है तो आपका जो एम होता है जो कि डॉट रहता है, ठीक है, वो कभी भी रेड नहीं होना चाहिए गाइस। ठीक है, यानी कि अगर आप बंदे के ऊपर फायर करते हो, चलो वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैं आपको मतलब 5-6 ये बेस्ट पोजीशन बता देता हूँ कि जहाँ का जहाँ पर अगर आपका एम रहता है तो बंदे को परफेक्ट वन शॉट लगेगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे एक बंदा मैंने खड़ा कर रखा है। ठीक है, तो इस बंदे के ये जो गोल टाइप के जो शेप आ रहे हैं ना, यहाँ अगर आपका एम रहता है, ठीक है, तो 101% आपका हेड शॉट लगेगा गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे एम की बात करी, अगर आपको वन शॉट मारना कैसे है वो अगली दो ट्रिक के अंदर आ रहा है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है गाइस कि आप लोगों को ये ट्राई करना है कि आपका जो एम होता है वो बंदे के ऊपर ना जाकर बंदे के आसपास ही कहीं रहे, यानी कि वो रेड ना हो। ये होती है पहली ट्रिक जो कि सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर ये रेड हो जाता है तो क्या होता है गाइस। ठीक है, अगर ये रेड हो जाता है ना तो जहाँ पे आपका एम है वहीं पे लगेगा, अगर आप ब्रेक भी करोगे तो भी वो ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये जो है रेड नहीं होता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे मारना चाहते हो, यानी कि अगर आप इसको ऊपर की ओर थोड़ा सा ड्रेक करोगे तो वो बंदे का हेड पकड़ लेगा। क्यों पकड़ेगा, क्योंकि फ्री फायर के अंदर डिफॉल्ट एम होता है गाइस। ये होता है सबसे पहली ट्रिक। ठीक है, तो सेकंड चीज, यार मैं थोड़ी स्पीड से बोलता हूँ, पता नहीं क्यों मेरी आदत है, तो फिर भी आप लोग थोड़ा इसको धीरे धीरे करके देख लेना। दूसरी जो ट्रिक होती है गाइस वो होती है आपका एक्यूरेसी गाइस, कि आप कितना एक्यूरेसी से हेड मार सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, वहां से आपको खरीदना पड़ेगा एक पुतला गाइस। ठीक है, एक नहीं, 2, 5, 10 जितने भी खरीद सको, बट मेरा एक एम था गाइस, एक मैच के अंदर मैं 20 पुतले खरीदता था और 20 पुतले तोड़कर देन मेरा रैंक गेम खेलता था, यानी कि डेली का मैं यही ट्राई करता था। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे तो मैं इसी के ऊपर काम कर रहा था, सबसे पहले मैंने सीखा है देन आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो 20 पुतले वहां से खरीद लेता था, ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आता था, पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड आराम से एंजॉय करता था, देन देखता था कि बंदे बहुत ज्यादा कम हो गए तो कहीं एक सेफ प्लेस पे जाके एक पुतला लगाया, देन उसके ऊपर फायर किया। ठीक है, देन उसके ऊपर फायर किया, बार बार ये ट्राई रहता था कि भाई एक शॉट के अंदर मुझे ये पुतला तोड़ना है।
अब इसके फायदे क्या होते हैं गाइस, पुतले के ऊपर रहता है आपका फुल कंट्रोल, यानी कि अगर आप उसके ऊपर गन ले जाकर मारोगे ना तो ही मरेगा वो। आप यहीं कैसे हवा में फायर करोगे बंदे को लग जाता है, ऐसा नहीं होता है, पुतले के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है ठीक है एम का। तो आपको मतलब गन का जो एम है वो पुतले के ऊपर ले जाना पड़ेगा गाइस ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पुतला लगा देना है, रन करना है जंप करके, देन पुतले के ऊपर फायर करना गाइस ठीक है। इससे जैसे कि आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे हो, लगाना पुतला, रन, जंप एंड फायर, और ये ट्राई करना है कि आपका जो 10 में से कम 8 जो शॉट है वो पुतले को लगेगा गाइस। एक दो मिस हो जाता है तो चलता है, बट ऐसा नहीं कि भाई 10 में से 10 ही मिस हो रहे होंगे फर्स्ट में, बट जैसे जैसे आप लोग डेली ट्राई करोगे इसको तो धीरे धीरे आपका एम इतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बंदे के ऊपर पड़ेगा कि आप खुद कल्पना नहीं कर सकते गाइस। एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी और देखी होगी, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ये आपके लिए होगा गाइस ठीक है। तो ये सेकंड चीज़ होगी भाई एक्यूरेसी, जो कि आपको सिखाएगा फ्री फायर के अंदर पुतला ठीक है। और थर्ड वाली जो ट्रिक है गाइस बहुत ही सिंपल है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरी सेंसिटिविटी क्या रखूँ, मैं कौन सा कस्टम मोड रखूँ। अरे मेरे भाई सिंपल सा मैटर है, मैं बता देता हूँ, 2GB का डिवाइस शायद कोई यूज़ करता होगा और बहुत बंदे यूज़ भी करते हैं तो उनको जनरल तो 100 रखना ही है, बट रेड जो रहता है ना रेड डॉट, उसको आपको रखना है 80 से 90 के बीच, जितना भी आपको अच्छा लगे। वहीं 3GB की बात करें तो आपको 90 से ऊपर रखना है रेड डॉट, बाकी जनरल 100 ही रखना है, सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ। और 4GB वालों को सभी चीज़ें 100 ही रखना है सेंसिटिविटी में ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पे कस्टम हुड की गाइस, कस्टम हुड के अंदर एक ही चेंज करना है आपको, बस सिंपल सा कुछ भी नहीं है। आपका जो फायर बटन का साइन रहता है ना उसका साइज आपको रखना है 60 से 65 के बीच गाइस ठीक है, 60 से 65 के बीच रखना है। इसका ये फायदा होगा आप जब भी फायर करोगे तो आपका फायर जो है नहीं मिस होगा, मतलब मिस नहीं होगा गाइस। बहुत सारी बार आप लोग ट्राई करते हो फायर बटन के ऊपर क्लिक क्लिक करते रहते हो बट वो फायर नहीं होता, मिस फायर हो जाता है, तो ऐसे में वो वाली चीज़ आपके साथ नहीं होगी। इन तीनों ट्रिक के अलावा अगर आपके मन के अंदर कोई सा भी थोड़ा सा भी डाउट है गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, वो मैं क्लियर कर दूंगा। बट इन तीनों ट्रिक के अलावा कोई ट्रिक नहीं होती जिसके थ्रू आप वन शॉट मार सकते हो, DPI VPI कुछ भी नहीं होता है गाइस, सब बोलने वाली बातें होती है। इन तीनों का आप इस्तेमाल करो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आप विद इन 1 वीक के अंदर गाइस, मैं कंप्लीटली पूरा शोर होके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं भाई एक दिन के अंदर आप सीख जाओगे, भाई पूरा 1 वीक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन आप लोग रिजल्ट के रूप में ओनली रेड डॉट देखोगे गाइस ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को एक और कन्फ्यूजन है कि भाई मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर हेड शॉट लगता है, क्लेश स्क्वाड के अंदर हेड शॉट लगता है, पर मेरा रैंक के अंदर क्यों नहीं लगता, तो वो वाली ट्रिक मैं अगले वीडियो के अंदर लेके आने वाला हूँ। जो लोग आप ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर हेड शॉट मार सकते हो, क्लेश स्क्वाड के अंदर हेड शॉट मार सकते हो, वो आप रैंक के अंदर भी मार सकोगे ठीक है गाइस। तो चलो बाय टाटा।